और अब बात उन बेरोजगारों की जो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। 21 सूत्र मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले पिछले 24 दिनों से शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का महापड़ाव जारी है। अपनी मांगों को लेकर 14 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर धरना शुरू हुआ इनका। यह धरना अब और उग्र होता जा रहा है। बेरोजगारों ने धरना स्थल पर ही काली दीवानी बनाई, तो आज भाई दूज का त्योहार भी बेरोजगारों ने धरना स्थल पर ही मनाया। धरना स्थल पर मौजूद महिला अभ्यर्थियों ने धरने में शामिल सभी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर संघर्ष में जीत की कामना की। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में धरना स्थल में शामिल हुए बेरोजगारों की बहनें भी आज धरना स्थल पहुंची, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। धरना स्थल पर मौजूद अन्य भाइयों को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनकी जीत की कामना की बहनों ने। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का कहना है कि पिछले 24 दिनों से अपनी कई मांगों को लेकर वो आंदोलन की राह पर है। जब तक सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। और अब 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश में महापड़ाव डालेंगे बेरोजगार, और इसी कड़ी में 10 नवंबर को बड़ी संख्या में प्रदेश के बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर अपने आंदोलन की रणनीति भी तैयार करेंगे। पिछले 24 दिन से शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का आंदोलन जारी है। दशहरा यहाँ बनाया, दीपावली यहाँ बनाई, गोवर्धन यहाँ पूजा और भैया दूज यहाँ बना रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं जागा। और हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब 21 नहीं 11 नवंबर को 50 लोग उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, वहां पूरी तैयारियां के साथ रहने की व्यवस्था करेंगे। जहां जहां प्रियंका गांधी जाएंगे वहां विरोध करेंगे। अभी भी सही समय है, सरकार जाके अपने वादा पूरा करे, जो लिखित में समझौते किए थे वो वादा पूरा करके प्रदेश के बेरोजगारों को राहत प्रदान करे, अन्यथा आने वाले समय में गंभीर परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। और इसी खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, मैं आपसे दो बातें जानना चाहूंगी। पहली बात तो ये उपेन्द्र यादव कह रहे हैं कि अब 21 को नहीं हम 11 नवंबर को जाएंगे, और इसमें इनकी क्या रणनीति रहने वाली है? दूसरा सवाल है कि सरकार कुछ कर रही है फिलहाल इस मामले में, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दें कि पहले सवाल का जवाब हम आपको दे दें कि जो बेरोजगार हैं उन्होंने महापड़ाव उत्तर प्रदेश में 24 तारीख को प्रस्तावित रखा है, लेकिन अब 11 नवंबर को जाएंगे। तकरीबन 50 लोगों के जाने की संभावना है। आने वाले जो महापड़ाव है उसकी रणनीति वहां पर तैयार की जाएगी। इसके साथ ही अगर सरकार से और की से वार्ता की बात की जाए तो जो पहले दौर की वार्ता हुई थी वह सफल रही थी, लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे दौर की वार्ता असफल रही थी। उसके बाद बेरोजगारों ने अपने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी थी। काली दिवाली यहां पर बेरोजगारों ने मनाई थी, आज भाई दूज का त्यौहार भी है, धरना स्थल पर ही बेरोजगार मना रहे हैं। इसके साथ ही बेरोजगारों की जो बहनें हैं जो धरना स्थल पर मौजूद हैं, उनकी बहनें आज धरना स्थल पर पहुंची और अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संघर्ष की जीत की कामना की। इसके साथ ही जो धरने में शामिल महिला अभ्यर्थी थी उन्होंने भी धरने में मौजूद सभी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके जीत की कामना की। ऐसे में अब ये आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। इसके साथ ही बेरोजगारों ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि जल्दी उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनती है तो प्रियंका गांधी की जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, वहां पहुंचकर वो अपना विरोध जताएंगे। साथ ही सरकार की ओर से जो लिखित समझौते किए गए थे उन लिखित समझौतों की जानकारी देकर प्रदेश के बेरोजगारों की समस्या से अवगत कराएंगे। ऐसे में अब 21 सूत्री मांगों को लेकर जो 24 दिनों से महापड़ाव जारी है वह कहीं ना कहीं और भी बढ़ता हुआ और भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जी मनी, शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। अब देखना होगा सरकार क्या रास्ता निकालती है बीच का, क्योंकि देखिए कई दिन बीत चुके हैं बेरोजगारों को धरने पर बैठे हुए, और अब इनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अब अगर मांगे नहीं माने तो उग्र आंदोलन हम करेंगे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए जी राजस्थान।